कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत कर ली और पहुंच चुके थे, एक बार बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तमाम समस्याएं सुनी है लोगों की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मित्रों, लोकसभा क्षेत्र के अंदर हर विधानसभा में एक बार जाना हो जाए, इस नाते से आज ये मेरी तीसरी विधानसभा इंद्री के कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ की जनता के साथ जो एक संवाद है, और उसमें लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई हैं, और कुछ समस्याओं का तो हाथों हाथ हल हुआ है, कुछ यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े विषय उनको दे दिए हैं, चंडीगढ़ के विषय हमने इकट्ठे करके चंडीगढ़ भिजवाने की बात की है, और दिल्ली के जो विभागों के अन्य अन्य विषय, हालांकि ज़्यादा नहीं होते हैं, दिल्ली के तो ट्रांसफर आदि के कुछ विषय रहते हैं, वो हम अपने साथ ले जा करके ऐसे लोगों के काम कराएंगे। सबको जितना समय लगता है उतना बताया जाता है कि भी 7 दिन 10 दिन 15 दिन महीना, क्योंकि किस प्रकार की वो समस्या कठिनाई है, उस हिसाब से उनका समय उनको बता दिया जाता है। संविधान हत्या दिवस मनाएगा केंद्र, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, संविधान की हत्या का मामला हम लोग देखते हैं तो एमरजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। जिस संविधान के बारे में कांग्रेस इस प्रकार से ऊंचा एड़ियां उठा उठा के बोलती है, वो ये भूल गए हैं कि उन्होंने ही संविधान की हत्या 1975 के अंदर एमरजेंसी लगाई थी 25 जून को, उस दिन उनकी हत्या, संविधान की हत्या की गई थी। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि कोई भी सरकार को 5 साल के बजाय 6 साल चलाया जा सकता है। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि मीडिया की सारी जो पावर है, सब जो उनकी जो आज़ादी है बोलने की, उसको छीन लिया जाएगा। संविधान में यह कहीं नहीं लिखा था कि आपके विपक्षी दल के लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। संविधान में यह कहीं नहीं लिखा था कि अगर किसी बालक के, नौजवान के अगर थोड़े बाल लंबे हैं तो उसको उठा के काट दिया जाएगा। संविधान में कहीं नहीं लिखा था कि नौजवान जो बिल्कुल 18 साल 20 साल 25 साल 40 साल के लोग भी जो हैं, उनकी भी नसबंदी कर दी जाएगी। संविधान इस प्रकार की चीज़ों को वर्जित करता है, जबकि उस समय कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संविधान को रोंदा कुचला, तो मैं समझता हूँ उसकी हत्या की गई है। इसलिए हमने तय किया कि 25 जून को हर वर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। बीआईएसएफ और बीएसएफ में 10% का आरक्षण रहेगा जो पूर्व अग्निवीर है उनके लिए। अग्निवीर योजना एक बहुत अच्छी और सफल योजना है, युवाओं के भविष्य के लिए अच्छी योजना है। वो एक प्रकार का आर्मी के अंदर जा करके अपने आप को ट्रेंड करके एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे नागरिक, अच्छे सैनिक के नाते से तैयार करने का एक सिस्टम है। आखिर जो लोग अच्छे सैनिक बनकर के आगे बढ़ सकते हैं, 25% वहाँ उनको भर्ती किया जाएगा। जिन लोगों को योग्यता अपनी बढ़ा करके और समाज में आके सोशल सेक्टर में आकर के काम करना होगा वहाँ जाएंगे, कुछ लोग इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे, कुछ कॉर्पोरेट सेक्शन में जाएंगे, और कुछ लोग पैरामिलिट्री में भी, जैसा रिजर्वेशन बताया गया 10% सीआरपीएफ में, अन्य अन्य कई संस्थानों ने 10% की आरक्षण देने की बात कही है। हमने तो हरियाणा में ये भी घोषणा की है कि इसके बाद भी कोई भी अग्निवीर नौजवान बचता है जिसको काम नहीं मिलता, उसको नौकरी की, उसको यानी गारंटी, काम की गारंटी दी जाएगी, उसको आते ही बिना किसी परीक्षा के और बिना किसी इंटरव्यू के उसको नौकरी में रख लिया। हरियाणा में भर्तियों को गैंग की शव यात्रा निकाली जा रही है सर। ये तो बहुत पहले मैंने कहा था कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग एक प्रकार का युवकों के साथ भद्दा मजाक करते हैं, हम लाखों लोगों को बुला करके उनके टेस्ट लेते हैं, सीईटी टेस्ट लेते हैं, सीईटी डी का है, फिर सी का है, उसमें पेपर 1 है, पेपर 2 है, छोटी सी बात को लेकर के, और कोई भी जा करके खड़ा हो जाता है कोर्ट्स के अंदर कि कैसे इस भर्ती को रोक दिया जाए, क्योंकि भर्ती रोकने से युवाओं को खिलवाड़ करते हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए शायद उनकी मंशा रहती होगी, लेकिन सरकार को बदनाम करते हुए युवाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, जबकि आज हमारे युवा समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ये नौकरियां खूब दे रही है। उनके 10 साल के कार्यकाल से ज़्यादा इस 10 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने नौकरियां हमारी सरकार ने दी हैं, और अभी ये समय इस महीने तो और भी जितने बचे हुए रिजल्ट्स हैं उनको सबको निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद तो जो उन्होंने 1,80,000 उन्होंने शायद 85,000 जो नौकरियां दी हैं कुल मिलाकर 10 साल में, हमारी वो 1.5 लाख से भी ऊपर होने वाली है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र में सब पार्टियों को अपने अपने व्यवहार से आगे चुनाव के समय आने का अधिकार होता है। उन दो पार्टियों ने गठबंधन किया है तो ये उनका अपना मामला है, उसमें कुछ नहीं। सर, एक फैसला जिस पर आप अडिग थे 5 लाख रुपए सरपंचों के लिए, अब उसको 21 लाख कर दिया। देखिए, सरपंचों की मांग काफी समय से चल रही थी, उस समय भी थी, आज भी है, और हमें भी ये ध्यान में आया है कि शायद कहीं काम की जो गति बननी चाहिए थी वो गांव के काम की गति बनी नहीं। हालांकि बजट में हमारे खराब था, हमने गांव में बजट भेजा भी सही, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल बातों में ये विषय फंसा है। तो उसके बाद फिर एक सरकार ने निर्णय लिया,
संतुष्ट हूं मैं, क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया। आखिर गांव का काम ये महत्वपूर्ण विषय है, सरपंचों के साथ या पंचायत के सिस्टम के साथ ऐसा विषय नहीं है। गांव का काम न रुके, उसके लिए जो जो करना होगा वो सरकार करेगी। गढ़ोली को जिम्मेदारी मैं उनको बधाई देता हूँ। नहीं, ऐसा कोई अफसरशाही का विषय नहीं है, अफसरशाही और सरकार मिलकर काम करते हैं।